खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। संसद में हंगामा तो रोज होता है, सांसदों के बीच तूतू मैमे भी रोज होती है, लेकिन संसद के भीतर सांसद एक दूसरे का लिहाज भी करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। माननीय सांसद बोलकर पुकारते हैं एक दूसरे को, गर्म माहौल में भी एक दूसरे को कोई धमकी नहीं देते हैं, लेकिन आज संसद के भीतर ये सब मर्यादा टूटने के आरोप लगे हैं। आरोप बीजेपी की तरफ से है, कांग्रेस के दो सांसदों पर, कि उन्होंने धमकी दी है, और वो भी महिला सांसद को जो मंत्री भी हैं। ये मंत्री कोई और नहीं, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी भी कहां चुप रहने वाली है, संसद में जोरदार भाषण तो उन्होंने कई बार दिया है, लेकिन आज उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, कई सांसदों को डांटा फटकारा, अखाड़ा बनी संसद के भीतर की ये पूरी रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। स्टॉप शाउटिंग एट मी, स्टॉप शाउटिंग एट मी फॉर माय एबिलिटी टू प्रोफेस माय व्यूज। अलाउ मी टू फिनिश व्हाट आई वांट टू से एज अ मेंबर। द वेरी फैक्ट दैट यू शाउट हियर टुडे मींस दैट यू डू नॉट वांट अ वुमन टू स्टैंड अप एंड टॉक अबाउट इश्यूज दैट शी फील्स पैशनेट अबाउट। टेक योर सीट, टेक योर सीट। स्मृति ईरानी लोकसभा में आज गुस्से से उबल पड़ी। निशाने पर कांग्रेस सांसद थे, यूपी के उन्नाव में रेप पीड़ित का मुद्दा संसद में उठा, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर सवाल उठाया। सर हैदराबाद फिर आ गया उन्नाव, कहां जाएं हम लोग? एक तरफ राम जी की, एक तरफ पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी की मंदिर बन रहे हैं और दूसरी तरफ सीता मैया को जलाए जा रहे हैं। इसी का जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी खड़ी हुई। पूछा, हैदराबाद और उन्नाव याद है तो पश्चिम बंगाल के मालदा में रेप की वारदात क्यों भूल गए? आज एक सांसद यहाँ पर बंगाल से, मैं नाम नहीं ले रही हूँ महोदय, मंदिर का नाम ले रहे थे, एक सांसद ने हैदराबाद और उन्नाव की जघन्य घटनाओं पर अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया, लेकिन मालदा में क्या हुआ उस पर चुप्पी साध ली, पता नहीं है तो जाके पश्चिम बंगाल का अखबार पढ़िए। जिन लोगों ने रेप को पॉलिटिकल वेपन की तरह पंचायत के चुनाव में इस्तेमाल किया, आज जाकर वो यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। स्मृति ईरानी के इस बार से कांग्रेस सांसद तिलमिला गए। आरोप है कि उन्होंने स्मृति ईरानी से दुर्व्यवहार किया। आरोप है कि केरल से कांग्रेस के दो सांसद टीएन प्रतापन और डीन कुरियाकोस विरोध करते हुए वेल की तरफ बढ़े। दोनों सांसदों पर बाजू चढ़ाने और हाथापाई के अंदाज में स्मृति को धमकाने का आरोप है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के दोनों सांसदों ने स्मृति ईरानी को चुप कराने का इशारा किया, दोनों ने बाहें चढ़ाते हुए धमकाया। स्मृति ईरानी के पीछे बैठी सांसद संगीता देव ने इसे देखा। वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री हैं और आज आप मंत्री को बाजू ऊपर करके मवाली की तरह धमकाओगे तो कल किस कौन बचेगा? आप तो वहीं बैठी थी कि आपको लग रहा था कि वाकई कुछ हो सकता है उस? बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। उनको भी उनके कुछ लोगों ने रोका और स्मृति जी को मैंने और प्रहलाद पटेल जी ने रोका, बचाया राधा, क्योंकि अगर वो जिस तरह से आ रहे थे वो खतरनाक यू नो वे से, तो आके अगर कुछ इनके ऊपर हाथापाई करते तो क्या इज्जत रह जाती हमारे संसद की। उन्होंने जैसे अपना विषय रखा वैसे उधर से प्रतापन करके हैं कोई सांसद उनके कांग्रेस के, पीछे रो से आकर के बीच में आ गए और बीच में आने के बाद दो और उनके साथ में आ गए और बिल्कुल मारने मराने के जैसे कुछ यहाँ लड़ना हो ऐसे बाहें चढ़ा करके। मैं तो मेरा तो मानना है कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी यदि पार्टी से या हाउस से भगाने का जो काम किया है या तो उनको निष्कासन करना चाहिए, नहीं तो फिर महिलाओं के विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही रोक दी गई। दोनों ओर के सांसदों के बीच खूब कहासुनी हुई। बीजेपी ने कांग्रेस से माफी की मांग की है। जिस तरह से आज एक मंत्री अपना पक्ष रखते समय कुछ सांसदों ने जिस तरह से पेश आए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और उनको माफी मांगना चाहिए आपके पास आकर उनको। स्मृति ईरानी जब सदन में बोल रही थी तब गौरव गोगोई ने भी हंगामा किया था। स्मृति ने गौरव को भी फटकार लगाई थी। इस सदन की सदस्य के नाते कुछ बोलना चाहती हूँ और आशावादी हूँ कि गौरव गोगोई जैसे पुरुष बैठकर थोड़ा सुन ले।
लेकिन गौरव गोगोई जब सफाई देने खड़े हुए तो स्मृति ईरानी पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। हम चाहते थे कि सरकार क्या करेगी, सरकार इस केस में हम बताएंगे कि उन चार लोगों को कैसे रिहा किया गया, सरकार ये बताएगी। सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी और आक्रामक भाषण आए, आक्रामक भाषण, राजनीतिक टिप्पणी और मुद्दे से जो अलग परे हो गए, इसके विरोध में हम खड़े हुए हैं। हम वेल में नहीं आए, हम अपने सीट पे खड़े होके इसका विरोध हमने किया है। स्मृति ईरानी का गुस्सा सदन के अंदर से बाहर तक आया, कांग्रेस पर उनका हमला जारी रहा। जब हाउस में आज हंगामा हुआ कि बाह चढ़ाकर मारने का एक पोस्चर लेके कुछ पुरुष सांसद मेरी तरफ आए, तत्पश्चात एक यंग एमपी ने कहा स्मृति ईरानी बोली ही क्यों। मैं स्तब्ध हूँ, मुझे और इसके बारे में कुछ नहीं कहना, बस बोलना अगर एक अपराध है। मैं देखना चाहूंगी सदन में सोमवार को महिला के पक्ष में बोलने की ऑपोजिशन मुझे और क्या सजा देने वाली, मैं देखना चाहती हूँ। इस हंगामे के चलते आज पूरे दिन संसद की कार्यवाही कई बार रोकी गई, मामला स्पीकर तक पहुंचा, स्पीकर ने भी नाराजगी जाहिर की, चेंबर में मीटिंग बुलाई, बीजेपी ने कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड करने की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने नियम 374 के तहत स्पीकर से शिकायत की, कांग्रेसी सांसदों पर स्मृति ईरानी को धमकी देकर माफी नहीं मांगने के आरोप लगाए। कांग्रेस के दोनों सांसदों को 5 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। बीजेपी की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष सोमवार को अपना फैसला सुनाएंगे और ये तय है कि सोमवार को भी संसद में इस मामले पर शोर शराबा ही होगा। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और ये मंदिर सांसदों के बीच चर्चा के लिए है, किसी से किसी तरह की बदसलूकी के लिए नहीं है, महिला से तो कतई नहीं। उम्मीद है कि इस मामले में नियमों के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। मास्टर जो करे संसद का नाम खराब उनका किया जाए पूरा हिसाब।